राजस्थान के चुरू जिले की बीदासर तहसील की एक महिला निर्वस्त्र होकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंची। थाने में पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि जेठानी व सास से मेरी नहीं बनती, दोनों के करतूतों के चलते इस कदम को उठाने को मजबूर हुई। वह हैरत की बात यह है कि महिला के थाने पहुंचने पर कोई महिला कांस्टेबल नजर नहीं आई व 3 किलोमीटर पैदल चलकर आने के बावजूद भी महिला को थाने की पुलिस लेने नहीं गई। वह बाद में किसी मीडिया कर्मी ने आईजी को फोन पर सूचना देने के बाद पुलिस हरकत में आई। सर कस्बे की घटना है, आज पता लगा कि विकासर कस्बे के अंदर किसी महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट की है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं। उस घटना के ऊपर मैं यहाँ आया था तो पता किया थाने से, तो मालूम पड़ा कि एक महिला है जो बाहर की रहने वाली है, उसका ससुराल विकासर में है। उस महिला के साथ उसके सास, उसके जेठाने ने मारपीट की, उसे कपड़े फाड़ दिए। उसी स्थिति में वो थाने की तरफ रिपोर्ट कराने आई थी, तो उसकी दूसरी जो जेठानी थी अलग थी, उसने उसको कपड़े पहनाए। उसी समय पुलिस थाना की जीप और SHO पहुँच गए, वो महिला को लेके आए और महिला के उससे जानकारी हासिल की, तो उसने बताया कि मेरी सास और जेठानी ने मेरे साथ मारपीट की है और उसका जेठ है, उसने एक महीने पहले उसके साथ मारपीट की थी। उसका एक देवर उसके साथ रहता है, वो भी उसके साथ झगड़ा करता रहता है। झगड़ा उसने घरेलू बातों को लेकर बताया कि घरेलू बातों में लेकर मेरे साथ झगड़ा करते रहते हैं, मुझे तंग परेशान करते रहते हैं। उसका पति है, वो 6 महीने से आसाम में मजदूरी कर रहा है और उसकी शादी को 1 साल ही हुआ है। वो महिला उसके माता पिता यहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए अभी पुलिस के संरक्षण में है। उसकी FIR दर्ज कर ली गई है, मेडिकल घुमाने के लिए भेजा है और आरोपी पक्ष है उसको भी बुलाया है, उससे भी पूछताछ जारी है। अनुसंधान रजीराम जी SHO बिदासर लोग कर रहे हैं। इस घटना के अंदर दूसरा पहलू यह आया कि जब महिला बिना कपड़ों के आ रही थी, तब इस संबंध में ये बात सामने आई कि कुछ व्यक्तियों ने उसका फोटो लिया है, उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने फोटो लिया है। अगर वो अश्लील है तो उसके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी को लिया है क्या अभी? हाँ, इस मामले में हमने जांच जारी है। इस मामले में जिन्होंने फोटो लिया उनकी हम जांच कर रहे हैं और फोटो अगर इस प्रकार की अश्लील पाई गई किसी के पास कब्जे में रखते हुए या उसका वायरल करते हुए, तो उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत और महिलाओं के अशिष्ट रूपन के मामले में अलग से कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा सुनने में है कि महिला जो अकोला से है ये महिला और अभी 4 महीने पहले खरीदी गई थी, तो इस मामले में एक साल, ये महिला ने ये बताया कि मैंने 1 साल पहले मेरी शादी हुई है और मैं रहने वाली अकोला डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, गांव का नाम बताया। इसकी सास तो कह रही है कि हम पैसे देकर खरीद के लाए हैं, अभी हमारे सामने मानव तस्करी से संबंधित कोई बात नहीं आई है। ये महिला ये कह रही है कि मैंने 1 साल पहले शादी की है, अगर मानव तस्करी से संबंधित कोई तथ्य आएंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके महिला के एड्रेस लेकर इसके घर वालों को बुलाया जाएगा, उससे इस बात का खुलासा होगा कि वास्तव में इसकी शादी हुई है या ये खुद आई है या म्यूजियम पार्टी इसको खरीद के लाई है, इसकी जाँच होने पर ही पता लगेगा। सर ये महिला पैदल चलकर 3 किलोमीटर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस उसके बाद में बहुत लेट पहुंची जबकि पुलिस को पता चल गया था, इस पे क्या कार्रवाई की आपने? पुलिस से को पता लगते पुलिस चलेगी? जी सर, नहीं पुलिस को तो पता लगते उसके करीबन 15-20 मिनट लगे पुलिस को पहुंचने में, जबकि इनको पता चल चुका था बहुत लेट पहुंची पुलिस। नहीं, ये तथ्य अभी तक नहीं आया कि पुलिस लेट पहुंची है, पुलिस ही इसको लेकर आई है। थाने के बाहर से निकल के आ रहा है कि महिला कांस्टेबल जो है, महिला कांस्टेबल एक तो छुट्टी पे थी, एक यहाँ उपस्थित नहीं थी। महिला कांस्टेबल इस पुलिस थाने में 3 पद स्थापित है, एक प्रसूति अवकाश में है, एक CL अवकाश में है और तीसरी अनुपस्थित है, इसलिए महिला कांस्टेबल हमने छापर से और सांडवा से बुलाई है।